उधर से इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। धान के मुद्दे पर बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के नेतृत्व में यहां कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झूमाझट की देखने को मिली है। सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर दुर्ग से आप देख रहे हैं। प्रदेश भर में आज बीजेपी की ओर से मौजूदा भूपेश बघेल सरकार को घेरने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। धान खरीदी के मुद्दे पर, धान खरीदी में अव्यवस्था दिखाई दी, लगातार केंद्र सरकार पर ही बारदाने को लेकर आरोप लगाए गए और ये आरोप लगातार बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं और इसी को लेकर आज बीजेपी प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन कर रही है। इसी तरीके से लगातार सभी कलेक्ट्रेट का घेराव कर रही है। महासमुंद के सहकारी समिति बावन केरा धान खरीदी केंद्र पर बंपर स्टॉक के चलते खरीदी ठप हो गई है। बताया जा रहा है कि धान का बंपर स्टॉक होने और परिवहन ना हो पाने के चलते खरीदी का कार्य प्रभावित हुआ है। इस मामले में सोसाइटी प्रबंधक ने लिखित में विपणन अधिकारी से शिकायत की है।